दोनों ही पटे होंगे। मैंने कही ना बीबी जी ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। तेरी कसम मैंने खुद देखा 70 रुपए खरीदते हुए। बीबी जी बड़ा कंजूस आदमी है रे, मारता हुए चाय गिर गई। उस पहले चाय चाट रिया मार बात कर रिया। ऊपर नाज में प्लान आया उससे। बीबी जी बाहर लंगर बैठ रिया। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी। आज हम एक रिक्वेस्टेड वीडियो करने वाले हैं। ये रिक्वेस्ट हमें की थी चोयल गौर ने, इंसेप्शन वाली। देख भाई अल्फ्रेड की। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो प्लीज मेरे रिएक्शन को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं देख चुका हूँ पहले ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबे क्या बात है कलवा के लौंडे, कैसे गरम पड़ लिया और बाप नहीं लगा रिया, बाबली गांड बोल लिया सीधा। है तो बाबली गांडी। बेटे बैठो। अबे बैठू कैसे, तेरे लौंडे ने छोड़ा कहाँ है बैठने लायक। मैंने कहीं मुंह पे मार लो पर सुअरों ने गांडी तोड़ी मेरी। बांक सूजी बड़ी है बड़वे। उरे कुत्ते ओवर एक्टिंग कर रहा बड़वा, इतना मारवा कुत्ते। समझा लिए दोनों लौंडो को अपने, हाथ न लगाना अब किसी सुअर भर दूंगा, मार दे सुअर। अरे इन बेटी चौदह ने मेरे मोहल्ले में पूरी बेइज्जती करा रखी है, कलुआ के लौंडे जैसे सुना के जा रहा है मुझे। इन आज मैं देख ही लूं क्या कहना चाह रहा है आज। कलुआ के लौंडे को मार गए हो, उसने मुझे इतनी बात नहीं बताई है जितनी गालियां सुनाई है, और तुम जैसी औलाद। पकड़ो बैग और दफा हो जाओ यहां से। अरे बीबी जी सपना था तूने वही देखा जो मैंने देखा। अबे डर मत, कुछ ना होता है ऐसा, सपना बपना कुछ सच होता है। सुबह का साले, सुबह के 5 बज रहे हैं और सुबह के 5 बजे का सपना सच हो गया है। तुझे पता ना कितना मारा उसे कलुआ के लौंडे को आपने। अब बीबी जी घर से निकाल देंगे, देख सपना सच हो जाएगा। पे मेरा कद होगा सपना सच, पागल है ऐसा कुछ ना होता बाबला। कहते तू वैसे सही रिया यार, अपनी सुबह कब होती है बता। 12 बजे। और आपने सपना कब देखा? 5 बजे। तो अपनी सुबह तो 12 बजे होती है, तो अपने लिए तो सपना है ही नहीं। चीटिंग है ये तो अपने ये लिए। तो चीटिंग है जिंदी, मैं सो जाता हूँ सही। सो जा, मैं भी आ रही हूँ जरा वॉशरूम हो गए। और क्या पता 5:15 का सच होता हो। रात तो 14,000 रुपए का हिसाब था, ये 12,000 कैसे हैं? बीबी जी तुम्हारे पास दो कामयाब लौंडे हैं ना, उन्होंने ले लिए वो। अब इन दोनों लौंडो का यही है, इन्हें बाहर निकाल दूंगा। अबे उठ जा। अबे क्या हुआ? अबे साले बीबी जी को पता चल गई कलुआ के लौंडे ने फोन पे बता दिया दिखा है। अबे क्या कह रही है ये? तो यूं कह रहे हैं इन्हें बाहर निकालूंगा। अरे बीबी जी। अरे बीबी जी गुड मॉर्निंग। बीबी जी सब बढ़िया? बेटी 14 2,000 की मुसलियां मार रहा हूँ। अबे चल नाजिम, वो तो अच्छा हुआ 2,000 रुपए वाली बात निकली, दुकान पे जो मुसली मारी। अबे साले मुसली छोड़, अगर कलुआ का लौंडे यहाँ पे सही में आ गया, उसकी गांठ तोड़ी है हमने सही करके, आ गया ना तो बाप अपना पक्का निकाल देगा घर से बाहर। अबे हाँ नाजिम, ये तो हमने सोचा ही ना। तो टेंशन मत ले, मैं कलुआ के लौंडे से बात करता हूँ, मैंने बहुत मारा था ना उसे, तो मुझसे डरेगा बहुत थोड़ा। कॉल करते ही सलाम करेगा, देख कॉल करते ही सलाम। दिखा दिखा। हेलो बेटे। बोल भोपड़ी के। अभी पता नहीं है इसे किससे बात कर रहे हो। मैं नाम बताऊंगा, देख तो सलाम करेगा, देख तेरे सलाम करेगा, सलाम पहले हाथ। बेटा मैं नाजिम बोल रहा हूँ। अबे भड़वे मेरे कद्दू का नाजिम, दफा हो जा सूअर यहाँ से, मेरा कद्दू करा है तुझसे बात जंगली कुत्ते। अबे भड़वा है तू भड़वा। देख नाजिम, कलुआ के लौंडे ने कर दिए तुझे बहुत अच्छे अच्छे सलाम। अब तू मेरी बात सुन, क्यों ना हम बीबी जी को मार भेज दे। क्या? बीबी जी को मार भेज सकते हैं। बीबी जी तुम चाय क्यों बना रहे हो? ये बेटे तुम्हारी जो माँ है ना, कभी कभी खीरा डाल देती है चाय में। अरे बीबी जी खीरा छोड़ो, ये बताओ हरिद्वार कब जा रहे हो? ओ बड़ी शानदार चाय चाय। बेटी चौदह हरिद्वार में ही तो रहे हैं। हरिद्वार में तो रहते हैं हम लोग। हरिद्वार में रहना अपन, और साले अपने घर हरिद्वार में ही तो है। अबे एक प्लान है मेरे पास। क्या?
अरे बीबी जी पद्मावत मूवी देख के ना रहे? देख ली। तो बीबी जी हम कैसे मान लें? चल रहा था ना कंट्रोवर्सी। अरे गाड़ बाले करनी सेना वाले ने मान ली। करनी सेना नहीं मालूम है अबे। हाँ बीबी जी की सच में मान ली होगी। मारी ना होगी लेकिन तोड़ी जरूर होगी। नाजिम ये सब छोड़ यार, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मैं जाता हूँ कलुआ के लोंडे के पास। मैंने कर दिया बीबी जी का कमरा लॉक। क्यों ना हम उसको यहाँ पे बुला के कुछ देर उसकी तुड़ाई करें, क्योंकि उसका यहाँ पे आना तय है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसको जा रही हूँ बुलाने। लेकिन जैसी बैल बजे तू उसका सुअर भर दिए, चादर उड़ा के कुछ देर मारिए। एक आवाज़ मत सुनना क्योंकि वो आवाज़ निकालने में बहुत एक्सपर्ट है। तेरी आवाज़ निकाल सकता वो, बीबी जी की निकाल सकता, यहाँ तक कि मेरी भी निकाल सकता। लेकिन साले की एक मत सुनिए, फेरते ही रहिए, कुत्ता काट दिए साले का। ए नाजिम जल्दी आ गया, चद्दर ले आया, ये पकड़ झंडा। नाजिम से पहले बताऊं कि साले की पहले टांगे तोड़िए। ए नाजिम गेट खोल। इसकी बहन का पूरा इच्छादारी नाग हो रिया है साला। चैन की आवाज निकल लिया, नहीं तो आज देख ही लूं मैं। आइडिया भी तो इसी ने दिया था। तो कह रिया था कलुआ कलोंडा एक्सपर्ट आवाज निकालने में। मुझे थोड़ी पता तू खड़ा हो। चल छोड़, वैसे मेरे पास एक प्लान है। कलुआ कलोंडे को तो अपन मान नहीं सकते। तो क्यों ना बीबी जी को मारे, क्यों और बेहोश कर दे एक दिन के लिए। कलुआ कलोंडा आगा, बीबी जी मिलेंगे नहीं, अपन बच जाएंगे घर से निकलने। ये ले राडे चलेंगी राडे। बीबी जी के जाति गर्दन पे मार दी है, मुंह फाड़ दूंगा मैं तो। जाति मारूंगा तेरा पता नहीं बस। किसका? तू देख मुंह फाड़ दूंगा बीबी जी का, कान फाड़ दूंगा। हैप्पी डांडिया बाबा जी, हैप्पी डांडिया बीबी जी, चलते हैं हम। अबे आज कौन सा डांडिया है साले, चूतिया तो ना हो गए। प्लान फेल। तेरी फट गई, मेरी फट गई। बीबी जी को कुछ देर मारता मैं अगर गाना ना चलाता तू वाला। साले नाजिम अब कैसी देख रही है, मुंह फाड़ दूंगा। अजी कद्दू मुंह फाड़ देगा, बीबी जी ब्लैक बेल्ट में चैंपियन है। मेरे कद्दू के चैंपियन है, 70 रुपए ही खरीद के लाए काले रंग की बेल्ट। कहां से? दुकान पे से। मुझसे तो कह रहा है वो जीत के लाए। चल 70 रुपए की ली। मैं बता रही हूँ बहुत ही मारूंगा मैं जाती मार रही हूँ बीबी जी। मैं डरूंगा इस बार, मुंह फाड़ूंगा डायरेक्ट। दोनों ही पिटे होंगे। मैंने कही ना बीबी जी ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। तेरी कसम मैंने खुद देखा 70 रुपए की खरीद हुए। बीबी जी बड़ा कंजूस आदमी है रे, मारते हुए चाय गिर गई। तो पहले चाय चाट रिया मार मार रिया। आज मैं प्लान आया इससे। बीबी जी बाहर लंगड़ बट रिया। बाहर कैसे आ गए? सपना देख रहे थे बाहर रोड पे। निकल चुका था बीबी जी उनको। अच्छा तो मैंने ये जब पहले वीडियो देखा था ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी। ये मैंने अभी दूसरी तीसरी बार देखी है तो फिर मुझे पता चल गया। बोल मैंने तो बोल चुका हूँ इस वीडियो में। क्या बोला था?
वीडियो तो अच्छा था ही, राउंड टू हेल के ही वीडियो अच्छे थे, ये मैं देख चुका हूँ। मैंने शायद इसकी रिएक्शन वीडियो भी बनाई हुई है अपने दोस्त के साथ, तो उसमें मैं रिव्यू दे चुका हूँ, तो अगेन एंड अगेन सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, रिएक्शन हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। तुमको तो आना ही था जिंदगी में, देर हुई आने में क्यों, जीना मुझे है बस तेरे लिए, जो भी करूं इट्स ओनली फॉर यू, बिकॉज आई लव यू, आई लव।